कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने कई मुद्दों को लेकर अपने आवास पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें संजय निरुपम ने विरोधी पार्टियों को निशाने पर लिया। सबसे पहले निरुपम ने बिजली केंद्र के मामले में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि देश में अतिरिक्त बिजली केंद्र नहीं होने चाहिए। इसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप लगाते हुए निरुपम ने कहा कि राज ठाकरे हफ्ता वसूली का रैकेट चलाते हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उसे छिपे तौर पर अपना समर्थन देते हैं। सबसे पहले सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से है, जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती है कि उनके रहते प्रदेश में मुंबई में कोई इंडिविजुअल अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए राज ठाकरे के पास जाके परमिशन मांगता है? दूसरी बात, मैं आरोप लगाता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने राज ठाकरे का जो हफ्ता वसूली का रैकेट चलता है देशभक्ति के नाम पे, उसको आए दिल है मुश्किल के माध्यम से एक लीगल अमली जामा पहनाने की का गुनाह किया था और आज उसी का नतीजा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी फिल्म में किसी पाकिस्तानी कलाकार को ले रखा है वो मुख्यमंत्री के दरवाजे को खटखटाने से पहले राज ठाकरे का दरवाजा खटखटाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक है और मुख्यमंत्री को इस पूरे प्रकरण में दखल देना चाहिए और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को इस प्रकार का विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकार उनकी है और किसी को कोई कष्ट है, तकलीफ है तो उसकी निजात, उसका निपटारा मुख्यमंत्री और सरकार के दरवाजे पर होगा, न कि किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के दरवाजे पर। संजय निरुपम ने बॉलीवुड किंग खान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब उनकी फिल्म माय नेम इज किंग खान रिलीज होने वाली थी तब शिवसेना पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी और उस समय पुलिस ने अपना काम किया था, लेकिन आज शाहरुख पर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो सीधे राज ठाकरे के दरवाजे पर अपना मत्था टेकने पहुंच गए। सरकार को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे शाहरुख खान पर भी आपत्ति है। कुछ साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी माय नेम इज खान, तब शिवसेना ने बहुत ऐतराज किया था और शाहरुख खान से कहा था कि वो माफी मांगे। शाहरुख खान ने तब एक स्टैंड लिया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से यह भूमिका स्पष्ट की गई थी कि शिवसेना को जो करना है करे, महाराष्ट्र सरकार कानून और व्यवस्था अपने हाथ में रखते हुए पुलिस का पूरा इंतजाम करके माय नेम इज खान नाम की फिल्म का रिलीज पहले की तरह होने देगी और उसमें अगर किसी ने दखलंदाजी किया तो उससे कानूनन निपटा जाएगा और उसके बाद पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जानता है कि शाहरुख खान की वो फिल्म रिलीज हुई और चली, सबने देखी और आज ऐसी क्या मजबूरी थी कि शाहरुख खान सरकार के रहते सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होते हुए भी राज ठाकरे के दरवाजे पे मत्था टेकने जाते हैं और उनके सामने उनसे परमिशन मांगते हैं और एक वादा करके आते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी कलाकार उनकी अगर फिल्म में है तो वो फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा नहीं लेगी। संजय का आरोप है कि जब बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म रिलीज होने वाली थी तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे और करण जौहर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्पात मचाने वालों के सामने मुख्यमंत्री को आखिर सरेंडर क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, पिछली बार भी जब करण जौहर की फिल्म रिलीज होने वाली थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने एक ब्रोकर की भूमिका निभाई थी और वर्षा बंगले पर फिल्म से जुड़े लोग, राज ठाकरे और स्वयं मुख्यमंत्री बैठ करके एक रास्ता निकाला था तथाकथित तौर पर, और 5 करोड़ रुपए का हफ्ता दिया जाना चाहिए प्रोड्यूसर की तरफ से राज ठाकरे के कहने पे, इस प्रकार का एक समझौता हुआ था। उसी समय मुख्यमंत्री ने पूरे देश में अपने बारे में यह भूमिका स्पष्ट कर दी थी कि उनमें दम नहीं है, वो छोटे छोटे उत्पाती लोगों के सामने पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं और कानून को अपना काम करने से रोकते हैं
और निश्चित तौर पर उसका नतीजा ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एक्टर अगर उस तरह की कोई फिल्म बनाता है तो उसे डर लगने लगा है कि सरकार उसको नहीं बचाएगी और आखिरकार उसे किसी इंडिविजुअल के दरवाजे पे जाके मत्था टेक के उसकी हामी लेनी पड़ेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अंत में कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि अब समय ऐसा आ गया है कि फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को सेंसर बोर्ड के अलावा उत्पात मचाने वाले और हफ्ता उगाही करने वालों से भी फिल्म रिलीज करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ रहा है, जो कि सरकार की विफलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। इस देश में हर वो फिल्म रिलीज होने के लायक है जिसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता है, लेकिन आज कुछ उत्पाती लोग देशभक्ति के नाम पे जो हफ्ता वसूली का रैकेट चलाते हैं मुंबई में, उन लोगों ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उनके सर्टिफिकेट की ज्यादा जरूरत है। और यह सब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस तमाशे के तौर पर देख रही है। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कोई भी व्यक्ति संविधान से बाहर जाकर, कानून से बाहर जाकर अगर कोई पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उसे तोड़ने और नष्ट करने की जवाबदारी सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ द डे की। बहरहाल संजय निरुपम ने अपनी बातों को अपने शब्दों में तो रख दिया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि संजय निरुपम के आरोपों को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है और संजय निरुपम के इन सवालों का मनसे प्रमुख राज ठाकरे किस प्रकार जवाब देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनय दुबे के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।